देखिए ललिता घाट है ये, मणिकर्णिका घाट। यहाँ दाह संस्कार होने से मोक्ष की प्राप्त होती है। एक मान्यता के अनुसार माता पार्वती का जो कान का कुंडल एक कुंड में गिर गया था, जिसे भगवान शंकर जी ने ढूंढने का काम किया, इसके कारण इस स्थान का नाम मणिकर्णिका पड़ गया। दूसरी मान्यता ये भी है, भगवान शंकर जी ने माता सती के पार्थिव शरीर का अग्नि संस्कार किया गया, जिसके कारण भी महाशमशान कहता है। घाट के ऊपर एक शमशान मंदिर भी है। यहाँ आने वाले मृत शरीर के कान में तारक मंत्र का उपदेश देता है और मोक्ष प्रदान करते हैं। काशी के इस घाट पर कभी ठंडी नहीं होती है, चिता के आग। अभी मणिकर्णिका घाट गए थे, वहाँ पे जो लाशें देखे ना जलते हुए, भयंकर रूप है। और उस जगह पे जलता हुआ जो चिता है वो निपटा नहीं है, 24 आवर जलता रहता है। और ये लाश जलाने का जो परंपरा आदि अनंत से चले आ रहे हैं, यानी हजारों वर्ष से चले आ रहे हैं। उस जगह पर माता सती का शक्ति पीठ भी स्थापित है। गाइस अभी बनारस शहर के गंगा नदी के किनारे हूँ। देखिए अभी गंगा किनारे आरती हो रहा है, ललिता घाट है ये, कुछ ही दूरी पर आरती हो रहा है, यहाँ से होकर जाना है। देखिए कितना सुंदर मंजर है, काफ़ी सालों पुराना शहर है और देखने में कितना खूबसूरत लगता है। देखिए ललिता घाट है ये, बनारस शहर का गंगा नदी के किनारे जो आरती होता है, देखिए कितना लोग हजारों में है, देखिए आरती देख रहे हैं लोग। क्या क्या वहाँ पे देखने के लिए? हाँ देख के। हाँ एक आदमी का। अच्छा यहाँ पे नाव पे बैठ के देखने के लिए भी चार्ज लगता है, 100 रुपीज। मैंने सोचा ये फ्री है। देखिए ये जो सारे लोग देख रहे हैं ना, ये सब पैसा देके नाव का, इसके बाद ये लोग देख पा रहे हैं। देखिए दूर दूर से जो आ रहे हैं, थोड़ा सा जो सीट वो नाव में, सभी लोग कुछ अमाउंट देके यहाँ पे देख रहे हैं। अभी आरती खत्म होने वाला है। तो गाइस आप लोगों ने देखा काशी का जो गंगा किनारे आरती होता है, कितना खूबसूरत से आरती होता है। देखिए उनका जो कला का जो टैलेंट है ना, ये गंगा का किनारे दिखा रहे हैं। इसको क्या मोमोज कहते हैं? क्रिस्पी मोमोज। भैया आपका नाम बताइए। एकलव्य। बनारस घाट में आए तो इस भैया का दुकान में क्रिस्पी मोमो का जो स्वाद है, एक बार आप चख लीजिए, बेहद टेस्टी है। तो गाइस ये था बनारस के गंगा किनारे गंगा आरती। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए
जय हिंद।